देख रहे हो BMW S1000 RR। ये मेरे को पता है किसकी लग रही है, मोटो किंग स्टोर। हाँ उन्हीं की है, सही पकड़ा। दिस इज द मोस्ट लोडेड S1000 RR और ये स्पेशल एडिशन है आई गेस। आप देख रहे हो जितना भी इसमें मटेरियल यूज हुआ है वो कार्बन फाइबर का इन्होंने स्पेशली स्वैप करा। सो वर्क इन प्रोग्रेस है अभी। फॉग लाइट्स देखो, वो रही पूरी बाइक खोलनी पड़ जाती है हल्का सा भी कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक का काम करवाना हो ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, हर हर महादेव। दोस्तों आज एकदम से अपन भी हिमालयन हेवी बेबी से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत 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 मज़े में होंगे और बहुत 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 बढ़िया भी होंगे। तो आज अपन लोग चल पड़े हैं किधर, सवारी लेके अपनी। वी आर गोइंग टू करोल बाग एक्चुअली। और करोल बाग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फॉग लाइट पिछले दिनों मैंने अपनी नई बाइक पे नई फॉग लाइट्स लगवाई थी और अच्छी वाली फॉग लाइट्स लगवाई थी। तो यार वो फॉग लाइट्स ना पिछले 2-3 हफ्ते से वो दिक्कत कर रही थी, मतलब 2-3 हफ्ते ही हुए हैं ऑब्वियसली उसको लगाए हुए, तो वो स्टार्टिंग से ही कुछ डिफेक्टिव पीस वगैरह था। तो वो अब लोग चेंज करवाने चल पड़े हैं और भाई साहब मज़े आ रहे हैं इस बाइक को राइड करके। ऐसा लग रहा है कि भैया मतलब ये बाइक इतनी ज़्यादा मेरे से फेमिलियर हो चुकी है और मैं इसका इतना ज़्यादा फेमिलियर हो चुका हूँ कि भैया मतलब जितनी भी अभी तक मैंने छुट मुट आसपास की राइड्स वगैरह लगाई हैं ना, मज़ेदार हुई हैं वो और एक नंबर की राइड्स हुई हैं। तो अब अपन लोगों की प्लानिंग इस हिसाब से चल रही है कि ऑलमोस्ट मैंने बाइक रेडी करवा ली है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो लगवाने की रह गई हैं और वो भी बहुत जल्दी लगवा लेंगे। और उसके बाद ऐसी बढ़िया सी राइड लगाएंगे ना कि भैया कहने की हद ही नहीं। मैं इस बारी प्लान कर रहा हूँ कि लद्दाख जाया जाए, और लद्दाख ना यार काफ़ी टाइम से अपन लोगों का मन कर रहा था जाने का, क्योंकि लद्दाख मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं प्लान कर रहा था होंडा हाइनेस के टाइम से, और रादर होंडा हाइनेस से भी मैं पहले से ही प्लान कर रहा था जो मेरे पास क्लासिक थी। बट यार तब कुछ ऐसे बजट कंस्ट्रेंट्स होते थे, तब इतना मतलब थे नहीं हम कहते रहे उसको, तब नॉलेज नहीं थी चीज़ों की। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपन लोग थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करते गए और यहाँ पे आप सभी के सामने आ चुके हैं। तो इसलिए अब एक प्रॉपर आइटनरी के साथ अपन लोग लद्दाख जाएंगे, और कौन कौन जाएगा वो तो खैर आपको आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट मिल ही जाएगी। और अब जाते हैं करोल बाग, थोड़े बहुत और भी काम है वो भी करवा लेंगे। अभी एक दो चीज़ें मैंने और मंगवाई हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बाइक के दिखा दूंगा कि क्या अपन लोगों ने यूज़फुल चीज़ें मंगवाई हैं। और उसके बाद एक व्लॉग ऐसा बनाएंगे कि जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड है आपकी बाइक के लिए, जो मतलब एकदम हिमालयन के लिए एसेंशियल है। तो बिना किसी देर के अब चलते हैं करोल बाग, और करोल बाग जाके काम करवाते हैं। दोपहर के क्या शाम के बज चुके हैं 5:15। भागती है और जो एकदम से इसका थ्रॉटल ओपन होता है ना भाई साहब, वो जो एड्रेनलिन रश आता है उसके बाद अलग ही लेवल, अलग ही लेवल। एक सबसे बड़ी चीज़ हिमालयन में यार ये जो टूरिंग विंडशील्ड नहीं होने की दिक्कत है ना, वो बहुत बड़ी दिक्कत है असल में। इससे ना इतनी ज़्यादा विंड ब्लास्ट आपके चेस्ट पे लगेगा, और पता है क्या होता है उसके बाद ना आप थोड़ी सी बॉडी आपकी ना फटीग होनी धीरे धीरे करके शुरू हो जाती है एकदम। इसकी हाइट छोटी होने के कारण ना मतलब इट्स अ गुड मॉड फॉर दिस बाइक जो स्टॉक एसेसरी कंपनी दे रही है, बट अगर यार टूरिंग वाली विंडशील्ड कंपनी साथ दे देती ना इस प्राइस रेंज में, तो दैट वुड हैव बीन अ नेक्स्ट लेवल थिंग। और मतलब कि हमारे को इतना खर्चा नहीं करना पड़ता। वैसे बहुत कॉस्टली है यार, मन तो है लगवाऊं बट अभी थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, क्योंकि यार एकदम से ना जब से बाइक ली है तब से भाई साहब इतना खर्चा हो गया है मतलब कि कहने की हद ही नहीं। और देखो कितनी टाइट जगह से निकाल रहे हैं, पहुँचते हैं करोल बाग। पहुँच गए जी करोल बाग की कंजस्टेड गली में। ओह ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X, यहाँ पे बाइक गाड़ी कुछ भी निकालना, वो गाड़ी तो खैर आ ही नहीं सकती, बाइक निकालना ही इतना चैलेंजिंग है कहने की हद ही नहीं। अब कहाँ रुके हम, चलो लेट्स सी। हो गई जी अपनी फॉग लाइट्स अब चेंज, जो इशू आ रहा था आपको बताया गया,
वारंटी में रिप्लेस हो गई, जीतू भैया ने कर दी थी, और वी आर गुड टू गो नाउ। अब चल के फिटिंग करवाते हैं और फिर आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि क्या है इसका। तो चलते हैं, फॉग लाइट्स लगवाते हैं। तो एक ये रूथ का बाइक शैम्पू भी ले लिया अपन लोगों ने, और देखो करोल बाग की गलियाँ भाई साहब, जहाँ देखो आँख उठाओ और बाइक ही बाइक मिल जाएगी आपको, कहीं पे भी देख लो, मतलब KTM क्या, रॉयल एनफील्ड क्या, कुछ भी जो चाहिए भाई, जिस बाइक पे आपको हाथ रखना है पसंदीदा वो मिल जाएगी आपको। तो अब चलते हैं अभिनव भैया के पास, क्योंकि अपन लोग ना बहुत उनसे काम करवा चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सालों से काम करवा रहा हूँ मैं उनसे, तो बताते हैं वहाँ पे चल के कि क्या अपन लोग फाइनली वहाँ पे करवाने लगे हैं। सो वर्क इन प्रोग्रेस है अभी। फॉग लाइट्स देखो, वो रही पूरी बाइक खोलनी पड़ जाती है हल्का सा भी कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक का काम करवाना हो ना, मतलब आपको पूरी बाइक खोलनी पड़ जाएगी। ये सबसे बड़ी इस बाइक में ये मतलब मेरे को चीज़ लगती है, और वो वहाँ पे भाई साहब इतना बड़ा सा ह्यूमंगस सा टैंक उसका रखा हुआ है, अभी सारा काम करेंगे। बाइक यार गंदी भी इतनी हो गई, घर पे खड़ी करो ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने साल हो गए हैं इस बाइक को खरीदे हुए, इवन दो अभी महीना हुआ है कंप्लीट इसको। तो चलते हैं काम करवाते हैं अब इसका, और बाकी आपको एक फर्दर डिटेल दूंगा। और भी कुछ चीज़ें लेनी है अभी, तो एक जैसे मैंने वो इसका शैम्पू ले लिया मैट फिनिश वाला, और साथ में इसको मेंटेन करने के लिए दो तीन चीज़ें और लेनी पड़ेंगी अपन लोगों को, तो वो भी लेंगे। तो आपको बताऊंगा, अपडेट करूंगा कि क्या लेना है आखिरकार। एक हाँ, स्टिकरिंग भी करवा रहा हूँ अब, एक यूट्यूब चैनल की भी मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ करवा ही डालूँ, बट बाइक पर थोड़ा सा मेरे को ना वो गॉडी सा लगता है, तो देखता हूँ अभी कि कहाँ पर बहुत बढ़िया सी ब्रांडिंग इसकी अपने चैनल की हो जाएगी। स्पेस तो बहुत है लगाने की, बट देखते हैं, लेट्स सी। स्टिकरिंग का काम होते हुए और बाइक अपनी वहां खड़ी हुई, अभी उस पर भी काम चल ही रहा है, इट इज ऑलमोस्ट डन। एक बार फिटमेंट हो जाए फिर उस पर वो जो इशू आ रहा था वो भी देखते हैं कि रेक्टिफाई हुआ या नहीं, ये भी काम पेंडिंग था। चलो एक एक करके ऑलमोस्ट सारे काम हो ही गए, और ये देख रहे हो रेडियम स्ट्रिप्स कितनी सही लग रही हैं, यहाँ से दिखा दो थोड़ी सी लुक आएगी, ये देखो मतलब बाइक की लुक ही अलग हो गई है, और आगे वाली देखो। सो जी अपने सारे काम हो गए अब, एंड वी आर नाउ गुड टू गो। तो कुमार ऑटो सेंटर अभिनव भैया के पास आए थे अपन लोग, और भैया ने सारा काम कर दिया इसका। एक तो इसको स्टैंड से उतारना, इट इज अ चैलेंज। ये बाबूराव का स्टाइल है। ग्रिप्स व्रिप्स बढ़िया लग रही हैं, सही है, ऑल सेट है। देख रहे हो हिमालयन का ठौर ही अलग है। अरे भैया देना जी, धन्यवाद। लाइट का भी हो गया अपन का ना, फॉग लाइट में जो इशू था वो रेक्टिफाई हो गया, बट उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई, मतलब इसमें ये सिस्टम दिया हुआ है कि आप जैसे ही ऑन करोगे तो वो बाइक की फॉग लाइट्स ऑन हो जाएंगी। नाउ वी आर गुड टू गो, और इन ग्रिप्स के साथ ना भाई साहब इतनी कंफर्टेबल हो गई है बाइक, कहने की हद ही नहीं है, मज़ेदार भैया जी मज़ेदार। और फॉग लाइट का थ्रो देखो, अभी तो मैं इसकी ना थ्रो कम कर रहा हूँ, और इसका एक जनरल रिव्यू दूंगा आपको अभी एक दो दिन में ही, और फिर इसके बारे में एक पूरी डिटेल में बात करेंगे कि हाउ डज द फॉग लाइट्स लुक, और क्या थ्रो है, क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसके साथ मैंने हाईवे पे राइड करी हुई है, और एक बार फिर भी आपको बाइक ले जाके मैं दिखा दूंगा हाईवे पे कि ये कैसा वर्क करती है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, 2017 के आसपास मैं अभिनव भैया के पास आया करता था अपनी क्लासिक 350 का काम करवाने, और भाई साहब इनका जो काम है ना, इनके जो एम्प्लॉयज़ का काम है, जो इनकी गाइडेंस के अंडर करते हैं, वो लाजवाब है। BMW S1000 RR, ये मेरे को पता है किसकी लग रही है, मोटो किंग स्टोर। हाँ उन्हें ये सही पकड़ा बिल्कुल, जाना बंद हो गया यार, एक बार मोटो किंग स्टोर वालों से पूछता हूँ कि क्या पता मिल जाए इनके पास, अगर मिल गया तो वेल एंड गुड है। अरे ये तो यहाँ से निकल के आ गई BMW S1000 RR, लेट्स सी। फोक सील कवर्स चाहिए थे इसके, फोक सील कवर चाहिए थे हिमालयन के। हाँ ये यहाँ नहीं, पत्ती खुल के लग जाती है वो, तो पत्ती के ऊपर ही वो फोक सील कवर लग जाता है। दिस इज द मोस्ट लोडेड S1000
RR और ये स्पेशल एडिशन है आई गेस। आप देख रहे हो जितना भी इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है वो कार्बन फाइबर का इन्होंने स्पेशली स्वाप करा हुआ है, मैंने देखा था इनकी एक वीडियो में। और पीछे देखो टेल लैंप्स देखो इनकी, भाई साहब खतरनाक। एनी हाउ अपना तो काम नहीं हुआ क्योंकि आई वॉज प्लानिंग टू गेट फोक सील कवर्स, तो वो अपने को मिले नहीं अभी। और उसका सॉरी उसका कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि जो इनके पास है ना वो दैट इज़ नॉट मेंट फॉर दी एडवेंचर बाइक्स, वो हैं जो आपकी स्पोर्ट्स बाइक होती है ना उसका, क्योंकि उसमें भी इन्वर्टेड फोक्स होते हैं, अपसाइड डाउन फोक्स होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि आपको फोक सील कवर्स तो अल्टीमेटली चाहिए ही, तो वो उसके हिसाब से थे इनके पास। वो उसकी ना थोड़ी सी वो छोटी थी, मतलब कि क्या कहते हैं उसकी लेंथ छोटी थी, तो अब मेरे को चाहिए वो लेंथ जो उसकी प्रॉपर मिले मेरे को, तो इसलिए मैंने फिर नहीं परचेज करे। और 1000 रुपीज़ के थे यार, हमने को एक बार क्वालिटी पता चल गई, सो अगर नेक्स्ट टाइम मेरा चक्कर लग रहा होगा तो देख लेंगे। भाई ने बीच में ही रोक दिया ऐसे ही। अब अपने को जो काम मेन करवाना है वो करवाना है अपना नकल गाज, और उससे पहले ट्रिप क्योंकि मेरी लगने वाली है मोस्ट प्रोबेबली 7th के आसपास मेरी एक ट्रिप लगेगी, तो उससे पहले पहले यार जो मोटे मोटे खर्चे हैं ना जैसे कि हेलमेट का वो भी अब मैं पूरा करवा ही दूंगा, और एक टॉलविंड स्क्रीन वाइजर का वो भाई साहब टूरिंग में सबसे मस्त है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक खर्चा जो और होगा वो होगा कि इसके ना ट्यूबलेस टायर्स के लिए, और ट्यूबलेस टायर्स का कन्वर्जन तो बहुत महंगा है इसका, खैर दैट इज़ अराउंड 10,000 to 17,000 का, दैट आई डोंट वॉन्ट, तो वो नहीं करवाऊँगा। उसका एक ऑल्टरनेटिव है कि आप 1000 रुपीज़ की ना वो ट्यूब पंचर रिपेयर किट डाल दो, वो 1000 रुपये के आसपास पूरा फिटिंग विटिंग करके सब कुछ वो डल जाती है, वो आपके पंचर से आपको लॉन्ग राइड पे बचा देगी। और इन ग्रिप्स का ना एक नंबर रिस्पॉन्स है, मतलब अभी अभी में मेरे को इतनी बाइक पे प्रायरी ग्रिप मिल रही है ना कि भैया हैंडल उतना ही मनूवर करना और आसान हो गया है, क्योंकि आपकी जब ग्रिप प्रॉपर बन जाती है ना तो आपकी कंफर्टेबल राइडिंग फिर उस हिसाब से होनी शुरू हो जाती है। और अपन लोग अब घर की ओर चल पड़े हैं ट्रैफिक को फिल्टर करते हुए, अपनी हिमालयन हिमी बेबी की गरम गरम हवा खाते हुए क्योंकि इसका रेडिएटर बड़ी गर्म हवा फेंक रहा है, और ऊपर से ये देखो मेन सोर्स ऑफ गर्म हवा फेंकने का। और अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम चैनल पे रेगुलर अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करो, स्क्रीन पे आपकी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का यूज़र नेम आ रहा है, आप फॉलो करो, और अपना साथ में इस वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आई हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जितना हो सकता है, और मिलते हैं आपसे फिर एक और बेहतरीन सी नई सी बढ़िया सी वीडियो में। और आपको कौन सी वीडियो का सबसे बढ़िया पार्ट लगा वो कमेंट करें बगैर बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय, बी सेफ एंड राइड सेफ।